मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज भी मैंने सुबह सुबह व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सुबह से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो दिन को सोचती हूँ यार आज कुछ बना ही नहीं है। तो हमारे गाँव में मैरिज है 20 से, तो आप सबको डीजे सुनाई दे रहा होगा, गाने सुनाई दे रहे होंगे। जो रॉकी है वो मेरे हर वीडियोस को लाइक करता है, कमेंट करता है, तो उसकी सिस्टर की मैरिज है। और जो उसकी सिस्टर है ना, पूरे गांव में सबसे बेस्ट लड़की थी वो, सबसे अच्छी। वैसे तो सारी लड़कियां अच्छी होती हैं, मगर मुझे क्या है ना, वो बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे देखा जाता है ना, जैसे मेरी जब से मेरी मैरिज हुई है उस टाइम से लेकर अभी तक मुझे सबसे बेस्ट लड़की वही लगी थी। तो अब उसकी मैरिज है, तो 20 से आप सबको भी ले जाऊंगी मैं मैरिज में और इंजॉय करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, क्योंकि तशु का भी ब्रेकफास्ट वगैरह करवाना है और भी बहुत काम है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर से। यहाँ पे टेंट लगना शुरू हो गए हैं, सोना की शादी है। तो गाइस, आज तशु और मैं बैठे हैं। तशु को मैं अभी तक होमवर्क करवा रही थी जो स्कूल से दिया था, और आज है संडे, तो आज मैंने सोचा आप सब मेरी डेली रूटीन वाली वीडियोस देख देख के तो थक ही गए होंगे, क्योंकि मैं हर टाइम डेली रूटीन, वैसे तो जब मैं कहीं जाती हूँ तो आपको न्यू जगह दिखाती हूँ, तो जब घर में होती तो घर का तो क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेली रूटीन की ही वीडियो रहेगी। तो आज मैंने कुछ नया करने का सोचा, वो ये है कि फर्स्ट टाइम बच्चे को 2 का टेबल लर्न कैसे करवाया जाए। तो आप सबके भी छोटे बच्चे, जो भी मतलब मैक्सिमम जो भी मेरे फ्रेंड है यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनके मैक्सिमम छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं चाहती हूँ जिस तरह से मैंने तशु को 2 डेज में ही टेबल लर्न करवाया, आप सब भी करवाएं। तो मैं अभी आपको इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला बताने वाली हूँ कि 2 का टेबल 2 डेज में ही कैसे लर्न करवाएं। तो तशु आपको एक बार टेबल सुना देती हूँ, तो सुनाओ बेटा 2 का टेबल। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 2 8 16 2 9 18 2 10 20। वेरी गुड, देखा आप सबने बेबी को किस तरह से टेबल लर्न हुआ है, और बिल्कुल अच्छे से बोलती है। चलो बीच में भूल जाता है बच्चा, अभी स्टार्टिंग है भाई, हम लोगों को नहीं आता था स्टार्टिंग में, अभी तो शू केजी में है ना, तो हमारे को तो बहुत लेट मतलब टेबल कर पाए, ये तो बेचारी बहुत छोटी है, तो फर्स्ट टाइम तशु का ये टेबल लर्न करने का है। तो तशु को भी 2 का टेबल 2 डेज में ही लर्न हो गया था, क्योंकि स्कूल से दिया था 1 और 2 का टेबल लर्न करो। ओके, तो 1 का सबसे मेन रहता है कि जब हम 2 टेबल लर्न करवाए ना बच्चों को, तो 1 1 1 वाला जो टेबल रहता है ये सबसे पहले बच्चे को करवाए, क्योंकि ये बहुत ईजी रहता है 1 1 1, ताकि बच्चों को पता चले कि टेबल किस तरह से लर्न करना है ना। और दूसरा ये रहता है कि जैसे नॉर्मली टेबल लर्न कराते हैं वैसे, और ये भी है 1 to 20 तक लिखो है ना, और इस पे ऐसे इनको डब्बे में रख दो, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, इस तरह से भी हो जाता है, फिर भूलते भी नहीं है। और इस तरह से मैंने 2 का टेबल तशु को लर्न करवा दिया, और बहुत इजी ये तरीका है। सबसे फर्स्ट आप 1 का टेबल करवा दो बच्चे को, जैसा 5 हो जाता है, फिर इतना इजी है, फिर 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। हाँ जी, तो इस तरह से अगर आप लर्न करवाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपका बच्चे को फर्स्ट टाइम 2 डेज लग जाएंगे भले ही, क्योंकि बच्चों को अभी पता ही नहीं है कि भाई टेबल होता क्या है ना। तो आप सबसे पहले करवाओ 1 का टेबल, 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6, इस तरह से, ताकि बच्चे को पता चले कि टेबल को इस तरह से लर्न करना है 1 1 1। और एक और भी होता है, जैसे मैंने 2 1 2, तो 2 डॉट लगा दो यहाँ पे, 2 1 टाइम 2, और 2 2
टू डॉट फिर उनको प्लस करने के बोलो, फिर फोर है ना, फिर इस तरह से ही टू को थ्री टाइम डॉट लगा के उनको उनको काउंट करवा के फिर वहां पे लिखाओ। इस तरह से भी टू का टेबल लर्न करवाया जा सकता है, कोई सा भी टेबल इस तरह से भी फर्स्ट टाइम बच्चे को लर्न करवाया जा सकता है। तो मैंने तशु को लर्न करवाया है बस इस तरह से कि मैंने 1 to 20 काउंटिंग लिखी थी। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप सबको कुछ भी पूछना है या फिर कोई भी मतलब मेरी वीडियो में कमी रह गई हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और जो भी न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपको आप सब मुझे बताना, आप सबको मैंने जैसे आप सबको अभी दिखाया कि मैंने दशु को कैसे टेबल लर्न करवाया, अगर आप सबको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। या फिर कुछ आपको अलग लगता है कि कुछ और तरीका भी लगता है तो आप वो भी बता सकते हैं। और इस तरह की कोई भी वीडियो आपको चाहिए कि बच्चे को किस तरह से मैंने किस तरह से तशु को करवाया है, क्योंकि मेरा रहता है कि बच्चे को जो चीज भी करवाओ ना वो याद रहे लाइफ टाइम, है ना। ये नहीं कि अभी करवाया है तो बस रट्टा करवाओ और बाद में भूल जाए, नहीं। तो बच्चे को फर्स्ट टाइम करवाओ तो अच्छे से करवाओ लर्न और वो ध्यान में रहे। तो आज का अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो बच्चे को किस तरह से टेबल लर्न करवाए, तो अभी के लिए बाय बाय। आज के इस व्लॉग का कर देते हैं अब हम यहीं पे एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।